So, hello, what's up? कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका टू सेशन मित्रों फटाफट -फड़ चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आप तक मेरी ऑडियो वीडियो क्या आप तक मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आ रही है सो दैट सो दैट वी कैन बिगिन विद टूडे सेशन हैप्पी गुड़ी पढ़वा टू ऑल ऑफ यू सबको सबको गुड़ी पढ़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेलकम 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 स्वागत है आप सबका टू दिस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट फड़ वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए सर वीडियो को लाइक करके ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके तो मित्रों आज हम क्या करने वाले है? सर आज हम करने वाले हैं आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल का एक चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट ठीक है एंड ऑडिट रिपोर्ट में भी फोकस करेंगे किसके ऊपर एस ए की सीरीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरी रिवीजन में बस मेरे साथ बने रहना आप भी अपने नोट्स खोल के बैठ सकते हो एंड जहां जहां जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे चलते जाना बस आपने इतना ही काम करना है अगर मैं कहूं कुछ चैट में लिखने के लिए तो फिर आप चैट में लिख भी सकते हो सो दैट इट स्टेस इंटरेक्टिव सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं एस सेवन से एस सेवन क्या कहता है सर आपने बनाना यहां पे ओ फॉर ओपिनियन आपने बनाना यहां पर ओ फॉर ओपिनियन और ओपिनियन बनाकर घर चले जाएंगे या रिपोर्ट देखे जाएंगे सर रिपोर्ट भी देखे जाएंगे तो सिर्फ ओपिनियन नहीं बनाना आपने रिपोर्ट भी करना है सर किस में रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दो बातें ध्यान रखना बात है एस एसवन हंड्रेड किसकी बात करते हैं फॉर्मिंग एंड ओ फॉर ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब सर हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है जो ऐसे का नाम है कि कहीं ना कहीं आपने अपना ओपिनियन बनाना है अच्छा ओपिनियन कैसे बनाते थे आपको ऑडिट की साइकिल याद है हाँ सर ऑडिट की साइकिल याद है हम अपने ऑडिट प्रोसीजर करते थे उससे हमें ऑडिट एविडेंस मिलता था ऑडिट एविडेंस के ऊपर हम क्या ड्रॉ करते थे सर वी यूज टू ड्रॉ द कंक्लूजन कंक्लूजन क्या कि क्या यह सफिशियंट एंड्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं एंड जब कंक्लूजन ड्रॉ करते थे तो ओपिनियन निकल के आता था तो यही कह रहा है कि आपने अपना ओपिनियन बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन ये कंक्लूजन कहां से आए ऑडिट एविडेंस को ओप्टेन करके जब ओपिनियन रेडी है फिर आपने क्या इशू कर है रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट कहीं ना कहीं आप रिटर्न रिपोर्ट इशू करके चलोगे अब सर एक बात बताओ ओपिनियन बनाने से पहले कुछ स्पेसिफिक से पहले कुछ जो करता है तो ये जो स्पेसिफिक है ना इसमें कुछ खास मसाला नहीं है आपने बस तीन चीजें देख के चलनी है अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टिमेट डिस्कलोजर कम ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टिमेट डिस्कलोजर ये वही तीन चीजें हैं जिनको आप बोलते हो

एडिकुएट डिस्कलोजर सो दामने वाला अंडरस्टैंड कर सके इफेक्ट ऑफ मटीरियल ट्रांजेक्शन बातें याद रखनी है अकाउंटिंग पॉलिसी के दो पॉइंट अकाउंटिंग एस्टिमेट और डिस्कलोजर अब डिस्कलोजर से रिलेटेड ही दो छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं ध्यान से समझना एक है इंफॉर्मेशन एक है टर्मिनोलॉजी तो जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सर कैसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्योर क्योर का क्या मतलब है सी फॉर बल comparable. Comparable मतलब कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाली अगर मैं किसी और एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट उठाऊं तो वहां पे भी चीजें मिलनी चाहिए ठीक है है सर यू का क्या मतलब अंडरस्टैंडेबल आर का क्या मतलब है रेलिवेंट मतलब और रिलायबल ये वही क्वालिटीज हैं जो आप एफ में भी सीखते हो थ्योरी में तो याद रखना सर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्योर कंपेरेबल अंडरस्टैंडेबल रेलिवेंट एंड रिलायबल एंड लास्ट में क्या था टर्मिनोलॉजी शुड बी अप्रोप्रिएट जो टर्मिनोलॉजी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मेरी बैलेंस शीट है अगर मैं बोलता हूं मेरी बैलेंस शीट है मेरा कहीं ना कहीं पी एन एल है तो क्या मैं पीएनएल लिखता हूं या फिर मैं लिखता हूं स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल सर आप लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल वेरी गुड इसी तरह जो आपके एसिड्स होते हैं क्या मैं वर्ड यूज करता हूं फिक्सड एसिट्स या मैं वर्ड यूज करता हूं पीपी सर आप यूज करते हो वर्ड पीपी फिक्स्ड एसिड अलाउड नहीं है तो टर्मिनोलॉजी शुड आल्सो बी एप्रोप्रिएट क्या यह बात समझ आती है जल्दी से सारे के सारे बच्चे जल्दी से सारे के सारे बच्चे फटाफट -फड़ बताओ क्या स्पेसिफिक एवेल्युएशन वाले पॉइंट क्लियर है आप सबको कम ऑन क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो डन 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 फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया शाबाश अब आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट टॉपिक सर ये किसकी बात करता है बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है कहता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कहता है बस आपने अपना ओपिनियन बनाना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एफआरएफ बने है? सर एज पर द एफआरएफ नहीं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ बने है. अब जब आपको पता लग कि respects, बने हैं, तो फिर आप देख सकते हो कि आपको रीजनेबल फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये कुछ नहीं है जो ऐसे 200 में हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं जो ऐसे 200 में हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं वही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहां पे लिखा हुआ है अब सर एक बात बताओ जब जब मैं बोलता हूं प्रेजेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जब जब मैं बोलता हूं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो क्या सिर्फ मुझे यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस पर एफ आर एफ बने या फिर मुझे उनके प्रेजेंटेशन मुझे उनके स्ट्रक्चर मुझे उनके कंटेंट से भी फर्क पड़ेगा सर प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर और कंटेंट से भी फर्क पड़ेगा तो इसको बोलते हैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट यानी आप ओपीएससी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे ठीक है सर प्लस आप ये देखोगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं या नहीं और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देना यह बेसिक सी बात बस आपने समझ के चलनी है अब आता है सर सवाल बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये बेसिक एलिमेंट्स क्या है इसमें कुछ भी नहीं है बस तुमको ये बातें रीड करके चलनी है टाइटल आता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट एड्रेसिंग मतलब यू आर एड्रेसिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कुछ भी नहीं है फिर आता है सर ऑडिटर्स ओपिनियन सबसे पहले सबसे पहले सबसे काम की बात और ऑडिटर्स ओपिनियन में ना आपको पांच बातें बतानी पड़ती है सर क्या सबसे पहले तो एंटिटी का नाम आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड फिर बोलो कि स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड अब लोग सोचेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है तो बता देना द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी आ गया सर अब सर आगे के पॉइंट्स आप भूल जाओगे तो मैं कुछ कहता हूं ऊपर देखो नीचे देखो ऊपर देखो नीचे देखो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या लिखा है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होता है डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैंने कहा वेरी गुड डेट और पीरियड आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे क्या होते हैं सर उसके डिस्क्लोजर्स होते हैं उसके नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं तो रेफर टू द नोट्स दैट इज द समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वेरी गुड दिव्या तो यही पांच बातें बाबू आपको जान में रखनी है कि सर क्या ओपिनियन किस एंटिटी पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीन ऑडिटेड समझ गए समझ गए सर. उसके बाद बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैल यानी टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर ऊपर देखो नीचे देखो मतलब डेट एंड पीरियड एंड लास्ट में आ जाएगा सर क्या नोट्स टू अकाउंट अब आता है बेसिस फॉर ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन मतलब आपने किस बिना पे अपना ओपिनियन दिया आपने ऐसे कैसे अपना ओपिनियन दे दिया तो बोलना ऐसे नहीं हमने ऐसे के हिसाब से ओपिनियन दिया है यानी द कंडक्टेड एज एस पर ऐसे सर ये तो हो गया पहला स और बताओ मैंने कहा इन्हीं ऐसे के अंदर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन्हीं ऐसे के अंदर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए भी आप एक सेक्शन डालते हो सर ये हो गया दूसरा स तीसरा ये कहता है कि शुभम सर ने सिर्फ एस थोड़ी पढ़ाए हैं शुभम सर ने सिर्फ एसे थोड़ी पढ़ाई प्रोफेशनल एथिक्स भी पढ़ाया था तो ये बोल देना कि यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी प्लस आपने कोड ऑफ एथिक्स भी फॉलो किया है तो इसके ऊपर भी आप एक स्टेटमेंट डाल दो तो सर ये तीसरा स हो गया एंड लास्ट स क्या है सर लास्ट स है सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस बोल देना कि ऑडिटर बिलीव्स दैट द एविडेंस इज सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन सो दिस इज द लास्ट सर तो ये एक वो होता है ना सिंगर जो कहता है स सर ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके हाँ तो वही तुमने ये चार ससा ससा याद रखने हैं कि कैसे तुमने ओपिनियन दिया तो बोलना ऐसे के हिसाब से यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका एक सेक्शन आ जाएगा ठीक है सर सिर्फ स्टैंडर्ड्स ही नहीं एथिक्स से भी कंप्लाई किया उसका स्टेटमेंट दे देना एंड लास्ट में आता है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इज द बेसिस फॉर ओपिनियन क्लियर सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में डंड डं 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 डं। मजा आ जाएगा वेरी गुड अब सर ये गोइंग कंसन का खेल क्या है, मैंने है ओ, मुझे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ओपिनियन दोगे विच ओपिनियन विल यू गिव इन दिस केस इफ द गोइंग कंसर्न इज इन अप्रोप्रियट वेरी गुड हितेश शैली दिव्या सबने एकदम सही बताया सर द राइट आंसर इज एडवर्स ओपिनियन हम कहीं ना कहीं एडवर्स ओपिनियन देंगे कल जब हमने टेलीग्राम पे क्विज खेली थी तब भी मैंने यही सवाल पूछा था बट अगर गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है बट कल को चल के कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है कल को चल के कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न तो सर क्या चाहिए तो हमको इसका डिस्क्लोजर चाहिए तो हमको क्या चाहिए सर इसका डिस्क्लोजर चाहिए अगर डिस्क्लोजर है तो कौन सा ओपिनियन देंगे सर इस केस में हम देते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन इस केस में हम देते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन कौन सा सेक्शन डालेंगे ऑडिट रिपोर्ट में जल्दी से बताओ ये कौन सा सेक्शन डालेंगे नवरात्रि चल रही है बोलते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है बट बच्चों ने कहा मुर्ग सेक्शन बच्चों ने कहा मुर्ग सेक्शन सर मुर्ग सेक्शन डालेंगे और मुर्ग सेक्शन में क्या लिखते हैं मैंने कहा मुर्ग सेक्शन में लिखते हैं मटीरियल अनसर्टिनिटी है एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कलोजर है उस पर अटेंशन ड्रॉ करते हैं वेरी गुड तो जो अटेंशन ड्रॉ करोगे और उसके बाद लिखते हो कि अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर बट अगर मैं कहता हूं डिस्कलोजर इनएडिक्वेट है बट अगर मैं बोल दू disclosures are inadequate, तो क्या करेंगे तो सर हम इस केस में क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देते हैं qualified और adverse opinion देते हैं प्लस बोलते हैं जो आपका basis है basis for qualified और adverse, उसमें बोलते हैं मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्कलोजर नहीं मटीरियल अनसर्टेनिटी है बट डिस्कलोजर नहीं क्लियर है बॉस क्लियर है सर अब सर आते हैं हमारे फेवरेट मैटर्स जिनका नाम है क्या की ऑडिट मैटर जो भी लिस्टेड एंटिटीज होते हैं उनके केस में कैम आता है क्या हम कैम फटाफट रिवाइज कर लें क्या हम कैम फटाफट रिवाइज कर लें हां सर लगे हाथों लगे हाथों कैम भी रिवाइज कर लेते हैं तो सारे बच्चे फटाफट फड़ अपने नोट्स वगैरह खोल सकते हो सर एसे वन यानी लकी ऐसे, शगुन का ऐसे है, 701, ये किसकी बात करता है की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आप सबको पता है हमारा राजू करके एक ऑडिटर है ठीक है सर इसने टी जी से बड़ी ही बातें करी सर क्या क्या बातें करी बड़ी सारी सिग्निफिकेंट बातें करी कौन से ऐसे में ऐसे टू सिक्सटी में ऐसे टू सिक्सटी में इसने ढेर सारी बातें करी तो कैम कहता है ये सारी बातें जो है ना इसमें से जो सबसे ज्यादा चटपटी बातें हैं इसमें से जो सबसे ज्यादा चटपटी बातें यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इसके बारे में users को भी बताओ बार होता है ना आपके दो दोस्त करते तो ऐसे आप जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटर के बीच में चटपटी चटपटी बातें हो रही ना हमको भी जाननी है तो इसलिए क्या किया ना हमने कैम पैरा डाला क्या यह कैम पैरा सारी एंटिटीज केस के 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 में आएगा मैंने कहा नहीं ये आएगा मोस्टली लिस्टेड कंपलसरी है बट ऑप्शनल फॉर पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी ये वही पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है जिनकी बात हम प्रोफेशनल एथिक्स में भी करते हैं यानी बैंक इंश्योरेंस कंपनी एंड लिस्टेड एंटिटीज ठीक है सर अब सर तीन फैक्टर्स बताओ जहां से ये कैम निकाल सकते हैं आप मुझे बताओ हमारी लिस्टेड एंटिटी में फेवरेट एंटिटी कौन सी है टाटा और टाटा में जो सबसे बड़ा हीरो है वो कौन है सर जे आर डी टाटा तो आज से आप उस उनको जे आर डी नहीं बोलोगे जे आर टी जे आर टी का क्या मतलब है जिन भी एरियाज में लगता है सिग्निफिकेंट जजमेंट है यानी जहां मैनेजमेंट की जजमेंट है दैट इज द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स वो कैम बन सकता है ठीक है सर दूसरा क्या है सिग्निफिकेंट रिस्क सर ये सिग्निफिकेंट रिस्क कौन से जो हम एसए 315 में पढ़ते हैं दैट इज Complex fraud. Complexity of transaction. Whether the transaction involves fraud, outside uh, Fraud fraud the R for.

अब एक बात बताओ सपोज suppose... सपोज एक एंटिटी ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन लगा रखा है ठीक है सर अब ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है ना इसके रिगार्डिंग एंटिटी को डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं हाँ। तो ये कहते हैं कि इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिए मैनेजमेंट कहती है हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे आप इसको कैम में एक्सप्लेन कर दो तो मुझे बताओ क्या कैम इज ऑफ द दोस्कलोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आंसर इज नो सर ये ना डिस्कलोजर क्या ये किसी का सब्सिट्यूट नहीं है ये डिस्कलोजर क्या किसी का सब्सिट्यूट नहीं है नाइदर इट इज अब्सिट्यूट ऑफ द डिस्कलोजर नाइदर सब्सिट्यूट

अब सर एक बात बताओ क्या कैम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही आइटम होगा क्या कैम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही आइटम होगा या इट कैन बी अदर देन या इट कैन बी अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर इट कैन बी अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऐसा कोई मैटर है जिसमें सिग्निफिकेंट ऑडिटर का अटेंशन गया है ओ जिसमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट ऑडिटर का अटेंशन गया है समझ गए सर जिसने आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी को जिसने आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी को अफेक्ट किया है वो भी कैम हो सकता है एग्जाम्पल बताना जरा चैट बॉक्स में देखते कितने बच्चे पढ़ के आए हैं बता दो जल्दी से एक ही एग्जाम्पल है वही घिरसा बिटा एग्जाम्पल हर जगह आता रहता है वही एग्जाम्पल क्वेश्चन बैंक में वही मैंने नोट्स में डाल रखा है बता दो जरा तो मजा आ जाए न्यू आईटी सिस्टम वेरी वेरी गुड तो अगर एंटिटी ने नया आईटी सिस्टम लगाया है जिससे आपका सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन गया जिसमें आपकी सिग्निफिकेंट ऑडिट स्ट्रेटेजी को अफेक्ट किया तो ये न्यू आई सिस्टम न्यू आई सॉफ्टवेयर भी आपका कैम बन जाएगा मुझे लगता है कैम के बारे में हमने मोटा माटी जितनी बातें डिस्कस करनी थी कर ली अच्छा एक बात और बता दो एक बात और बता दो अगर एंटिटी अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करती है अगर एंटिटी अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करती है यानी ओपिनियन ही नहीं दिया ओपिनियन ही नहीं दिया तो क्या मैं बोल दू ऑडिट ही नहीं हुआ हाँ सर जब ऑडिट ही नहीं हुआ तो क्या सिग्निफिकेंट और क्या इनसिग्निफिकेंट क्या इस केस में कैम रिपोर्ट होगा बता दो मुझे क्या इस केस में कैम रिपोर्ट होगा आंसर इज नो सर इस केस में कोई कैम रिपोर्ट नहीं होता क्लियर है बॉस क्लियर है सर अब आ जाओ वापस अभी अगर कैम में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो हमने कवर नहीं करी तो वो मैं आपको 701 में कवर करा दूंगा अदर इंफॉर्मेशन पैरा किसने सिखाया 720 ने अब सर आता है सिखायासिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सिंपल है बस इसको समझ के चलना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट ना हो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल लगाना तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेन मेन बातें याद रखना प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल प्लस

कहीं ना कहीं देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से मटीरियल मिस स्टेटमेंट छूट तो सकती है ठीक है सर अब मिस स्टेटमेंट मटीरियल कब होती है तो ये कहता है मटीरियल तब होती है जब उनसे फर्क पड़ता है सर किसको फर्क पड़ता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो ये कहता है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट दे आर एग्रीगेटर टू बी मटीरियल इफ दे कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर यही सेम चीज हमारे FRF AS1 में भी दे रखी है कुछ मोटी बात करी क्या नहीं बस इन बातों को आपके समझ के चलना है ठीक है सर अब कहता है ऑडिटर की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मेरी ना एक रिक्वेस्ट रहेगी इनको ना रीड जरूर करना इनको रीड जरूर करना आईसीआई क्या कर रहा है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो क्या करता है आपको ना ये बोल देगा ऑडिटर

अच्छा ये वाली जो बातें दे रखी हैं ये वाली जो बातें दे रखी हैं बताना कौन से ऐसे से रिलेटेड है मैं तो भूल ही गया ये वाली बातें कौन सी दे रखी मैं तो भूल ही गया जल्दी से बता दो ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद टीसीडब्ल्यू जी स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग ये कौन सा ऐसे है सर ये है ऐसे टू सिक्सटी ठीक है सर ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तुम उनको कहां बताते हो ऐसे टू सिक्सटी फाइव ठीक है सर उसके बाद TCWG को बोलते हो कि हमने कंप्लाई किया विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस अच्छा ये इंडिपेंडेंस वाली बात जो आप TCWG को बता रहे हो क्या ये हर एंटिटी में बतानी है या सिर्फ पर्टिकुलर एंटिटी ये कौन सी एंटिटी कंपल्सरी के है ये भी बता दो वेरी गुड हितेश बड़ी साई क्या बढ़िया आंसर दिया तुम्हें लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज के इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट आती है एंड लास्ट में बोलोगे कि हमने कैम भी निकाला कैम का क्या मतलब है जो हमको मोस्ट सिग्निफिकेंट लगता है सारी सिग्निफिकेंट बातों में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट लगता है एंड देयर वो कैम है ये कहता है कि आप कैम कब नहीं दोगे आप कैम कब नहीं दोगे सर सिंपल सी बात है हम कैम तब नहीं देंगे जब लॉ रेगुलेशन मना करता है और कैम देने से जो नुकसान होगा ना नुकसान ज्यादा होगा कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा होगा फायदा कम होगा इसका क्या मतलब है इन एक्सट्रीमली रेयर सरकमस्टेस ऐसा होगा नहीं बट मान लो ऐसा होता है तो नुकसान ज्यादा है यानी Adverse consequences of doing so will outweigh. और इसका जो नुकसान है वो ज्यादा है अब सर एक बात बत और बता दो लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कहा था ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन डालेंगे वो सेक्शन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे मैंने कहा यह लिखने के तीन तरीके क्या है तो एक है कि आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही डाल दो यानी विदिन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ठीक है एक एज अनेक्जर या अपेंडिक्स आप दे सकते हो यानी एज अनेक्जर और अपेंडिक्स दे दिया ठीक है सर तीसरा कहता है वेबसाइट का लिंक दे दो

जल्दी से बता दो बाबू कि रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ये किस में इसके एग्जाम्पल बता दो बच्चों ने बोला सर कारो 2020 वेरी वेरी गुड अच्छा एक तो कारो 2020 हो गया दूसरा मैं बताऊं हां सर सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री सेक्शन वन सब सेक्शन सबसेक्शन थ्री जो भी आपकी रिपोर्टिंग होती है सेक्शन में वो भी तो आप कंपनी एक्ट की वजह से कर रहे हो हाँ तो कंपनीज एक्ट भी तो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है येस और नो यस वेरी गुड आयुष वेरी गुड आयुषी दोनों साथ साथ बढ़िया बढ़िया नाम क्या बात है सर सिग्नेचर क्या ऑडिटर को साइन करना जरूरी है हां किसके नाम में अपने नाम में फर्म के नाम में और दोनों का नंबर भी आएगा मोबाइल नंबर नहीं M.R.N. और मेंबरशिप नंबर तो जो आपका मेंबरशिप नंबर है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है वो भी आएगा और एक दिन तेरी बाह में सर ये दिन कौन सा है यूडिन यूडिन भी आपने जनरेट करना है मुझे सारे बच्चे बताओ ना अगर एक ऑडिटर ने यूडिन जनरेट नहीं किया तो वो बेचारा कौन से क्लॉज में गिल्टी हो जाएगा सर दो ऑप्शन है दो ऑप्शन है कंप्यूटर जी मैंने कहा क्या सबसे पहले तो सर ये काउंसिल की गाइडलाइन है तो अगर आप काउंसिल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते यानी इफ यू एनी पी आर जी प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइन टू टू लग जाता है वेरी गुड दूसरा ऑप्शन क्या है सर दूसरा ऑप्शन है कि आपने कंप्लाई नहीं किया विद गापा गापा क्या था जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग तो जो हमने गापा सीखा था प्रोफेशनल एथिक्स में उसका क्लॉज क्या था नाइन वन टू नाइन वन टू तो ये दोनों ऑप्शन है भाई साहब राधिका जैनम श्रेया प्रयास क्या बढ़िया बढ़िया प्रयास है आपके क्या बढ़िया बढ़िया प्रयास है आपके मजा आ गया आ, बच्चा कह रहे मेरी बुक में पॉइंट नंबर टेन है दीक्षा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा कर लेना मैं ये जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर डोंट वरी ऑफ सिग्नेचर मतलब ऑडिट दिल, ग्रा, रिपोर्ट विल नॉट बी डेटेड अर्लियर दे जहां पर उसको गया एवन हंड्रेड डन ना दो टॉपिक्स और प्यारे प्यारे वाले और मुझे ऐसा लगता है इनमें से क्वेश्चन आएगा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस बार का जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें इन दोनों में से किसी में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से समझना सर क्या है ये बातें मैं नोट से कराने की कोशिश करता हूं प्लीज फोकस करके चलना मजा आएगा तुमको ठीक है सर मान लो एक मल्टीनेशनल एंटिटी है जिसका ऑडिट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ठीक है सर ये जो एंटिटी है इसके ऑपरेशंस का है सर इंडिया में भी है और जर्मनी में भी है तो जब इसके ऑपरेशन इंडिया और जर्मनी दोनों में है तो क्या इसको ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी हां इंडिया वालों को भी देनी पड़ेगी जर्मनी वालों को भी देनी पड़ेगी दोनों जगह यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो सर क्या ऐसा हो सकता है हम एक ही ऑडिट करें एक ही ऑडिट रिपोर्ट दें और दो स्टैंडर्ड से कंप्लाई करें यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो इंडिया वाले हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है आंसर इज यस आंसर इज येस आप दोनों से कंप्लाई कर सकते हो बट देर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए सर कॉन्फ्लिक्ट किसको लेके यानी नो कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ ओपिनियन मतलब ऐसा ना हो कि जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो आपको डिफरेंट ओपिनियन बनाने को कह रहा है अगर वो आपको डिफरेंट ओपिनियन बना बनाने को कह रहा है तो फिर आप दोनों को नहीं रेफर कर सकते ठीक है सर प्लस अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है आपको ईओएम और ओम पैरा डालना है एस पर एस एवन जीरो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है आपको ईओएम और ओम पैरा डालना है एस पर एसे सेवन जीरो सिक्स तो डालना पड़ेगा अगर नहीं डालने दे रहा तो फिर रेफर मत करो तो कॉन्फ्लिक्ट किसी चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए ओपिनियन और ईओएम और ओम पैरा ठीक है सर प्लस याद है हाँ अभी हमने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करें सर ये एलिमेंट्स क्या थे अरे वही ना टाइटल एड्रेसिंग ओपिनियन बेसिस ऑफ ओपिनियन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैम ये सारे सब वही तो थे हाँ सर तो ये कह रहे हैं सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें मिनिमम एलिमेंट्स आने चाहिए एज पर द लॉ रेगुलेशन लॉ रेगुलेशन का मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ठीक है सर प्लस आखिरी में अगर आपने दोनों को कंप्लाई करके रिपोर्ट बनाई आखिरी में अगर आपने दोनों को कंप्लाई करके रिपोर्ट बनाई तो उनका नाम और उनकी ज्यूरिस्डिक्शन लिख देना उनका नाम और उनकी ज्यूरिस्टिक्शन लिख देना इफ यू आर रिपोर्टिंग एज पर बोथ एंड तो उनकी लिख देना सर मतलब ये जो स्टैंडर्ड है ये कहां का है जर्मनी ये जो स्टैंडर्ड है ये कहां का है जर्मनी तो दोस्त आपको जर्मनी लिखना पड़ेगा आपको जर्मनी लिखना पड़ेगा इसकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है तो फटाफट एक बार रिपोर्ट नोट्स में आओ तो देखो क्या कहता है मे बी रिक्वायर टू डू ऑडिट इन एडिशन टू एस ए किसके हिसाब से आई एस ए तो आप दोनों को रेफर कर सकते हो ओनली इफ देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट नो कॉन्फ्लिक टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन और नॉट इंक्लूड अम और ओमपेरा वन रिक्वायर्ड बाई एस एस प्लस जो मिनिमम एलिमेंट्स है वो आ जाने चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड लास्ट में दोनों को आइडेंटिफाई करो एंड उनके जोरिस्टिक्शन लिख देना यही छोटी सी समरी मैंने आपके नोट्स में दे रखी है यही छोटी सी समरी मैंने आपके नोट्स में दे रखी है अब आता है सर सवाल सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सारे बच्चे जल्दी से बताओ इस टॉपिक में किस चीज की फील लेनी है बता दो भाई फील से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे मेरे पास आओ मेरे दोस्तों जरा आगे बढ़ो टहटे टहटे एग्जाम हॉल की वेरी वेरी गुड तो जो आप एग्जाम हॉल में सप्लीमेंट्री शीट लेते हो जो आप एग्जाम हॉल में सप्लीमेंट्री शीट लेते हो उसी की फील लेके चलनी है सर क्या मतलब है मैंने कहा इधर आओ मेरे साथ इधर आओ मेरे साथ जब भी आप सप्लीमेंट्री शीट लेते हो जब भी आप सप्लीमेंट्री शीट लेते हो यहां से आना जब भी आप सप्लीमेंट्री शीट लेते हो तो क्या हर शीट को एग्जामिनर ने तो इट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आंसर शीट एंड एग्जामिनर इसको चेक करके चलेगा अगर ये इंटीग्रल पार्ट है आंसर शीट का तो एग्जामिनर चेक करके चलेगा बट अगर ये रफ वर्क है

क्या इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप भी अपनी सप्लीमेंट्री शीट पे लिखते हो ना रफ वर्क जैसी आपने रफ वर्क लिख दिया इसका मतलब ये कवर्ड नहीं है बाय द एग्जामिनर हां तो ऐसी आपने इसके ऊपर भी लिखना होता है दैट इट इज नॉट कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन इट इज नॉट कवर्ड बास ओपिनियन हमने इसका ऑडिट नहीं किया तो सिंपल सी बात ध्यान रखना अगर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करो अब सर या तो डिफरेंशिएटेड होगी या डिफरेंशिएटेड नहीं होगी अगर डिफरेंशिएटेड है तो ऑडिटर का ओपिनियन कवर नहीं करेगा बट अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो क्या करें अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो क्या करें मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो विकी प्लीज विकी प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन को चेंज करो अब हमेशा की तरह ऑडिट तो रिपोर्ट में लिख देना बस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना ओपिनियन डज नॉट कवर दिस मैटर अवर ओपिनियन नॉट कवर दिस मैटर हमारा ऑडिट ओपिनियन इस मैटर को कवर नहीं करता तो यही बेसिक सी बात आपने ध्यान रखनी लास्ट बार बता रहा हूं सर क्या देखो इंटीग्रल है कि नहीं अगर इंटीग्रल है तो ऑडिटर का ओपिनियन कवर करेगा अगर इंटीग्रल नहीं है तो चेक द प्रेजेंटेशन क्या ये डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द आंसर इज यस ओपिनियन डज नॉट कवर इफ द आंसर इज नो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन इफ दे रिफ्यूज देन दे से दैट आवर ओपिनियन डज नॉट कवर दिस मैटर यही बात यही बात आपके रिपोर्ट्स में लिख रखी है यही बात आपके नोट्स में लिख रखी है क्या ये बात समझ आती है आंसर इज येस यहां मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या ऐसे एसवन हंड्रेड डन डना मजा आ जाएगा वेरी गुड प्रयास राधिका माधवी गौरांग दिव्या सार्थक हरिओम हितेश क्या बात है अब सर ऐसे कौन से हैं सर दीज आर द मैटर्स जो कहीं ना कहीं ऑडिटर की जजमेंट में प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट नहीं मोस्ट सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंट नहीं मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ये आते कहां से हैं ये लोग आते कहां से मैंने कहा ये आते हैं फ्रॉम द बातें ये आते हैं फ्रॉम द बातें यू डू विद्ल्यू जी यानी फ्रॉम द मैटर्स यू कम्युनिकेट विद 260 यही की ऑडिट मैटर का जन्म होता है अब क्या की ऑडिट मैटर है मैंने कहा नहीं ये सब्सटीट्यूट नहीं है किसका डी एम आर एस डिस्कलोजर मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्टिंग एज पर एस फाइव सेवेंटी एंड सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर अब सर कौन से फैक्टर्स थे जिससे हम कैम डिटरमाइन करते थे हमारी फेवरेट एंटिटी कौन सी है टाटा और उसमें हमारा फेवरेट बंदा कौन है जे आर टी जे आर टी टाटा तो सिग्निफिकेंट जजमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट रिस्क और ट्रांजेक्शन है वो आपने तीन बातें लिखनी है जब भी कैम का क्वेश्चन आए चुपचाप ये तीन बातें लिख के आ जाना तीन नंबर तो ऐसे ही फ्री के मिल जाएंगे फिर ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे इनको रीड कर लेना ठीक है सर अब सर क्या मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कैम हो सकते हैं हाँ? अगर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन है नीड नॉट बी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जांपल आईटी सिस्टम फिर यही बात आ गई सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन अफेक्टेड द ऑडिट स्ट्रैटेजी और इट इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट रिस्क अब सर एक बात बताओ जब भी हम कैम कम्युनिकेट करेंगे तो क्या बोलेंगे वही सेम लाइन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट दीज मैटर्स वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सर प्लस एक बात और याद रखना इसी के उपर, इसी के के ऊपर ऊपर मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक दे रखा है उसमें मैंने आपको ना एक अडेंडम करके दिया है ठीक है सर अडेंडम में होगा तो उसमें ना एक क्वेश्चन है जिसमें उसने कैम तो बता रखा है बट यह भी बता रखा है कि उसने कैम को कैसे डील किया कैम तो बता रखा है बट ये भी बता रखा है कैम को कैसे डील किया तो आप बोल देना दीज वर एड्रेस्ड इन द कंटेक्सट ऑफ ऑडिट प्लस आपने इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर करे आपने इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर करे तो बोल देना कि आपने कैसे डील किया इन द कंटेक्सट ऑफ ऑर्डिट प्लस आप इस पर सेपरेट ओपिनियन नहीं देते सर कैम हमारी रिपोर्ट में कहां आएगा तो ध्यान से समझना एक होता है बेसिस फॉर ओपिनियन एक होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बीच में बेसिस ऑफ ओपिनियन और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बीच में आएगा बट अगर आपने मुर्ग पैरा डाला है अगर आपने मुर्ग पैरा डाला है तो बताओ मुर्ग पैरा पहले आएगा या कैम पहले आएगा चैट बॉक्स में बता दो मजा आ जाएगा विच पैरा विल कम बिफोर मुर्ग पहले आएगा या कैम पहले आएगा र्ग के बाद पहले मुर्ग आएगा फिर कैम आएगा बट अगर मैं पूछू कैम और ईओएम में मैं पूछू कैम और यूएम में दोनों में से पहले कौन आएगा तो आपका दिल पता है कैम बोल रहा है आपका दिल पता है कैम बोल रहा है बट द रियलिटी इज इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है कि वो किसको पहले रखना चाहता है आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में रख सकते हो अब सर एक और बढ़िया वाला सवाल आ जाता है पांच मिनट दे, दे देना बस मुझे इसके लिए फाइव मिनट दे देना मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा ठीक है सर? ये question ने I think, पूछा था December 21, old syllabus में, ठीक है? तो ओल्ड के बाद एक new आया और new का भी अब एकदम new आ गया है। तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम आईसीआई में आस्क सर ये कहता है कि जब आपका ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड है जब आपका ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड है क्वालिफाइड है और एडवर्स है तो क्या आप कैम दे सकते हो मैंने कहा रीजन क्या है मॉडिफाई करने का सर मान लो रीजन इज कहीं ना कहीं मान लो जो रीजन है ना वो ये है कि मिसिंग है रीजन ये है कि, है कि मान लो मिसिंग तो सर अगर मिसिंग है तो क्या बोले मैंने कहा ऐसे सेवन हंड्रेड की सीरीज में कौन सा ऐसे आता है 700 ठीक है सर उसमें ही की बात होती है हाँ तो उसका और कैम का रिश्ता क्या है कैम में ये डिस्क्लोजर वाली लाइन कब आती है सर कैम में ये डिस्क्लोजर वाली लाइन तब आती है जब आप बोलते हो इट इज नॉट अ अब्सिट्यूट कैम इज नॉट अब्सटीट्यूट फॉर द डिस्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यही लाइन लिख देना की कैम इज नॉट अब्सिट्यूट ऑफ डिस्कलोजर इन द फाइनेशियल स्टेटमेंट एज पर एफ आर एफ ठीक है an opinion, FRF, तो सेवन हंड्रेड और सेवन जीरो मिलाप आपको दिखाना है ठीक है सर अब आता है 705. 705 सेवन जीरो करता है मॉडिफाइंग दिनियन जब भी आपको लगता है मटीरियल स्टेटमेंट है

आपने इन दोनों को कैम से अलग रखना है सेपरेटिंग दिस कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर कैम डिस्क्राइब इन द कैम सेक्शन देअर फोर इट गिव्रोप्रिएट प्रोमिनेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट ठीक है सर अब सर अब एक बात बताओ क्या जब आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो क्या बाकी मैटर्स भी कैम हो सकते हैं ये कहते हैं हां बाकी मैटर्स भी कैम हो सकते तो आप उनको कैम में डाल दो कम्युनिकेटिंग अदर कैम कैन स्टिल बी रेलिवेंट टू एनहैंस द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट बट मुझे एक बात बताओ क्वालिफाइड में तो चल जाएगा क्वालिफाइड में तो चल जाएगा बट एडवर्ड्स में दिक्कत क्या है क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा चैट बॉक्स में बताना जरा, क्वालीफाइड में तो चल जाएगा बट क्वालिफाइड और एडवर्ड्स को अलग क्या करता है एडवर्ड्स में मैं क्यों सौ बार सोचूंगा कैम देने से पहले कोई बच्चा बता सकता है मुझे थोड़ी डीप बात है बट मजा आएगा परवेसिव इंपैक्ट है सर एडवर्स के केस में ना इंपैक्ट परवेसिव होता है तो क्या मैं बोल दूं जब आपकी मटेरियल मिस स्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेसिव है तो क्या ये इसका मतलब है कि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है हाँ कहीं ना कहीं इट इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल तो जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है तो क्या आपको लगता है आप किसी मैटर को कैम बोल पाओगे क्या आप किसी मैटर को कैम बोल पाओगे यह कहते नहीं तो यह कहते इंपैक्ट इज बोथ मटीरियल परवेसिव सो ऑडिटर में डिटरमाइन जरूरी नहीं है मे लिखा है ठीक है मे डिटरमाइन की कोई और कैम नहीं है तो सर वो क्या करे वो क्या करे जगह खाली छोड़ दे वो जगह खाली छोड़ दे या लिख दे कोई कैम नहीं है सर खाली नहीं छोड़ना भले ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना भी आए ना तो उसको खाली मत छोड़ना कुछ ना कुछ तो लिख के आना तो यही कह रहा है कि आपने खाली नहीं छोड़ना बस इतना लिख देना एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन

बोलना है ठीक है सर फिर आप बोलना जब भी आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दोगे तो बाकी कैम भी हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी कैम भी हो सकते हैं बट एडवर्स ओपिनियन के केस के में ऑडिटर में डिटरमाइन एडवर्स ओपिनियन के केस में ऑडिटर में डिटरमाइन और कोई कैम है ही नहीं तो जब और कोई कैम है ही नहीं तो लिख दो जब और कोई कैम है नहीं तो लिख दो कि इसके अलावा बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन के अलावा कोई कैम टू तो रिपोर्ट नहीं है यहां हमारा एस ए डन डना डन डन सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो मजा आ जाएगा बस अब छोटे छोटे ऐसे रह गए हैं कुछ भी नहीं रह गया बड़ा वाला मामला हो गया वेरी गुड नाउ कम्स एस एस सेवन जीरो फाइव सर यह किसकी बात करता है मॉडिफाइंग द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट तीन तरह के ओपिनियन होते हैं जल्दी से एक बार मुझे रिवाइज कराओ ना तीन तरह के ओपिनियन होते मुझे एक बार आप करा दो, तो मजा आ जाएगा हम डिस्क्लेमर मतलब कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहे सर ओपिनियन क्यों नहीं दे रहे क्योंकि एविडेंस ही नहीं है और जो एविडेंस नहीं है उसका इंपैक्ट कैसा है मटेरियल प्लस परवेसिव तो अगर इंपैक्ट मटीरियल प्लस परवेसिव आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो कोई ओपिनियन मत देना प्लस कैम भी मत देना ठीक है सर एडवर्स कब देते हैं सर जब एविडेंस है जब एविडेंस है कि पूरा मामला खराब है पूरा मामला खराब है यानी मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो एडवर्स दे दो और सर क्वालिफाइड कब देते हैं जब इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं जब इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता कि आपको एविडेंस मिला है या नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता एविडेंस मिला है या नहीं मिला तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो बस इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है सर इंपैक्ट अगर मटीरियल ही नहीं है अगर मिसस्टेटमेंट है बट इंपैक्ट मटेरियल ही नहीं है तो आप तब भी अन ओपिनियन दोगे क्योंकि हमको मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता मटेरियल मिसस्टेटमेंट से पड़ता सोनाक्षी सिन्हा बोलती है ना थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है तो आप बोलोगे मिसस्टेटमेंट से डर नहीं लगता मटीरियल मिसस्टेटमेंट से लगता है ठीक है सर अब सर एक बात बताओ अब एक बात बताओ इसमें हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है पर्वेसिव की डेफिनेशन ध्यान रखना पर्वेसिव का क्या मतलब है इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड जो मटेरियल है ये एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है दो तीन आइटम्स को इफेक्ट कर रही है, है बट वो जो आइटम है ना वो रिप्रेजेंट करता है नाइनटी ऑफ द बैलेंस शीट अगर वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करता है या सिक्सटी परसेंट ऑफ द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करता है क्या मैं बोल दू अभी भी परवेसिव है हाँ? तो कहते हैं भले ही कन्फाइंड हो बट इट इज अबस्टेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लास्ट में कहता है डिस्कलोजर अभी तक तो आप बात कर रहे थे किसकी बैलेंस शीट और पीएनएल की अब हम बात करेंगे डिस्क्लोजर की दैट डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल बता दो भाई साहब एग्जांपल बता दो भाई साहब आज तो मजा आ रहा है मुझे मैं तुमसे ही सारे एग्जाम्पल पूछता हूं मुझे तो बेस्ट चीज लगती है, ये। कौन है कौन सा एग्जाम्पल है कौन सा ऐसा है जिसमें आप एडवर्स ओपिनियन के बारे में सोच सकते हो बता दो वेरी गुड गोरांग सर मुर्ग मुर्ग वाला जो केस होता है कि यानी जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न हमें कहीं ना कहीं चार डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं अगर ये चार डिस्क्लोजर भी रिवाइज कर लेना मालिक मजा आ जाएगा मैंने कहा क्या क्या सबसे पहले बोलना होता है मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो इससे यूजर को क्या होती है चिंता होती है कि बड़ी दिक्कत हो सकती है फिर आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है तो इससे चिंता कम हो जाती है ठीक है सर फिर चिंता बढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे मैंने कहा फिर चिंता बढ़ाने के लिए बोलेंगे कि material, नहीं नहींवेंट मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं बाबा पहले आता है इवेंट और कंडीशन पहले आता है इवेंट्स और कंडीशन जिससे यूजर की चिंता बढ़ती है फिर चिंता कम करने के लिए हमने प्लान दिया अब बोलो इसी इवेंट और कंडीशन को लेके मटेरियल अनसर्टिनिटी है एंड क्योंकि मटीरियल अनसर्टिनिटी है तो फिर आपकी एसिड लाइबिलिटी वाली लाइन आती है सर एसिड लाइबिलिटी वाली लाइन यानी एंटिटी में बी अनबल टू रियलाइज द लाइबिलिटीज इन कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाएगी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाएगी ये एक बेसिक सी बात आपने समझनी है यह हम कहां डिस्कस करते हैं एस एफ सेवनटी में तो ये चार डिस्कलोजर होने जरूरी हैं अगर ये चार डिस्कलोजर नहीं है तो इसका इंपैक्ट भी परवेसिव माना जाता है तो इसका इंपैक्ट भी परवेसिव माना जाता है ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है ठीक है ठीक है सर अब सर इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में दे रखा है कि इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं चाहे एविडेंस मिला हो या ना मिला हो अच्छा क्वालिफाइड ओपिनियन जब भी देते तो क्या बोलते हैं इन अवर ओपिनियन इन अवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं सर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने यानी

अगर एविडेंस ही ना मिला हो अगर एविडेंस ही ना मिला हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर इसका नाम इफेक्ट नहीं आएगा इसका नाम हो जाएगा पॉसिबल इफेक्ट इसका नाम कहीं ना कहीं हम क्या रख देंगे बाबू पॉसिबल इफेक्ट वेरी गुड वेरी वेरी गुड बहुत ही बढ़िया अच्छा एडवर्स में भी ऐसे ही होगा क्या एडवर्स में भी ऐसी लिख दूं कि बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में जो गड़बड़े हैं उसके अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं सर कैसी बातें कर रहे हो कैसी बातें कर रहे हो सर सुबह सुबह आपके पानी ने क्या मिला दिया यहां आप एक्सेप्ट फॉर नहीं लिख सकते तो क्या लिखे बाबू आप यहां लिख दो बिकॉज ऑफ आप यहां पे एक्सेप्ट फॉर नहीं लिख सकते क्योंकि इंपैक्ट परवेसिव है तो आप बोलोगे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब बने पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब बने तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर दिग्निफिकल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल अगर ये ये फेयर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एंड लवली वाली लाइन यूज कर लेना ठीक है सर अच्छा डिस्क्लेमर में क्या होगा क्या आप ओपिनियन दोगे मैंने कहा नहीं कोई ओपिनियन नहीं देंगे तो हम सीधा सीधा बोलेंगे ऑडिटर डजेंट एक्सप्रेस एन ओपिनियन अब यहां पर एक्सेप्ट फॉर आएगा या बिकॉज ऑफ सर यहां पर भी इंपैक्ट परवेसिव है तो बिकॉज ऑफ आएगा तो बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर हमको एविडेंस मिला ही नहीं एंड लास्ट में जो आपकी ऑडिटर की लाइन होती थी ना सर कौन सी लाइन वो बेसिस uh, नहीं जो ओपिनियन जो आपका ओपिनियन सेक्शन होता था उसमें सबसे पहली लाइन ये होती थी ना ऑडिटेड हाँ उस लाइन को हटा दो उस लाइन को हटा दो वो जो लाइन थी दैट हैव बीन ऑडिटेड उसकी जगह क्या आएगा

के सिंग सर दिस इज यूजफुल ओनली फॉर हिंदी स्टूडेंट वॉट अब साउथ स्टूडेंट्स अरे साउथ स्टूडेंट्स बाबा विद द इंग्लिश बैच आई हैव गि यू हंड्रेड परसेंट रिविजन विद्लिश बैच आई है चिल्पिल बाबा टेक अ चिल नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड माई फेवरेट क्वेश्चन सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में लेकर रेडी आ जाओ सर कैन वी राइट इन आर ओन लैंग्वेज इफ योर ओन लैंग्वेज इज गुड इफ योर ओन लैंग्वेज इज गुड अंडरस्टैंडेबल प्रॉपर इंग्लिश यू कैन रेडी सर रेडी 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 आ जाओ मेरे साथ तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना जो होश था वो तो गया इधर फो, देखो लिमिटेशन ऑन स्कोप सर लिमिटेशन ऑन स्कोप का मतलब है एविडेंस नहीं मिल रहा सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा तो क्या करें मैंने कहा देखो इसका इंपैक्ट क्या है अगर इसका इंपैक्ट ऐसा है कि एट द एंड ऑफ द डे आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने वाले हो अगर एट द द एंड ऑफ ऑफ डे आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन देने वाले हो तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो टू रिमूव द लिमिटेशन अगर वो लिमिटेशन रिमूव नहीं करते तो किसके पास जाएंगे सर उसके ऊपर टीसीडब्ल्यू जी बैठा है उसके पास जाओ और आप मुझे चैट बॉक्स में बताना एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर या याल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर बताना जरा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर सार्थक कह रहे सर कॉपी राइट आ जाएगा ये AAP क्या है आम आदमी पार्टी नहीं है और बताओ ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट करें क्योंकि जब मेन प्रोसीजर नहीं कर पा रहे तो ऑल्टरनेट करेंगे ना यार कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन तो आपने बस दो बात ध्यान रखनी की टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर इससे भी अगर सफिशियंट एंड्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले तो क्या करो इंपैक्ट चेक करो इंपैक्ट चेक करो कि अगर इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं अगर इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन और अगर इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी तो विड्रॉ करेंगे फिर हमने लिस्टेड एंटिटीज के केस में कुछ एलओडीआर वाले प्रोविजन है वो भी कवर करेंगे अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं देन डिस्क्लेम योर ओपिनियन तो यही बात यहां लिख रखी है जल्दी से देखो क्या लिमिटेशन ऑन स्कोप का इंपैक्ट क्या हो सकता है क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर अगर लगता है क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर है रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन मैनेजमेंट कहती है नारे बाबा ना तो टीसीडी के पास जाओ ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करो अब अगर उसके बाद भी एविडेंस ना मिले तो इंपैक्ट देखो अगर इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन बट अगर इंपैक्ट मटेरियल भी है परवेसिव भी देन करो इफ पॉसिबल अंडर द लॉ रेगुलेशन बट इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू विद्रॉ देन डिस्क्लेम योर ओपिनियन सारे बच्चे मुझे बताओ क्या विड्रॉल यहां पर कंपल्सरी है क्या विड्रॉल यहां पर कंपल्सरी है या ऑडिटर की चॉइस थी मुझे बता दो क्या ऐसे ने ऐसा लिखा है कि आपकी चॉइस है विड्रॉ करना चाहो तो चाहो तो निकल जाना वरना आपकी मर्जी है क्या मर्जी है या कंपलसरी है कंपलसरी है यही यही बारीक बात यही बारीक बात किसने पूछी सर यही बारीक बात आईसीए ने पूछी आपके एमटीपी टीपी वन में यही बारीक बात आपके ने पूछी MTP1 में कि है इफ अलाउड और अगर आपको अलाउड नहीं है तो आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करेंगे अच्छा जाने से पहले जाने से पहले टीसी जी को क्या बताने हैं मैटर्स दैट गेव राइज टू मॉडिफिकेशन जिन मैटर्स की वजह से मॉडिफिकेशन होती उन मैटर्स के बारे में टीसीडब्ल्यू जी को बता के जाना ठीक है ठीक है सर जब भी आप एक्सप्रेस करोगे एडवर्स और अनमोडिफाइड ओपिनियन किसी चीज को लेके नहीं होगा सारे बच्चे मुझे बताओ क्या ये वाला जो पार्ट है इसकी वीडियो आपने देखी है नहीं देखी ये जो वाला पार्ट है इसकी वीडियो आपने देखी है नहीं देखी क्योंकि मुझे पता है मोस्टली बच्चों की बुक्स में यह नहीं होगा इसी के ऊपर मैंने अडेंडम दिया था ठीक है तो अडेंडम से एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो अब सारे बच्चे आ जाओ सेबी के क्या ऑन द ऑडिटर्स ऑफ लिस्टेड ठीक है नहीं देखी तो कोई बात नहीं मैं अभी कवर करा रहा हूं देखो सिंपल सी बात है हर लिस्टेड एंटिटी को क्या कराना पड़ता है अपना क्वार्टरली रिव्यू कराना पड़ता है इधर देखो हर लिस्टेड एंटिटी को क्या करना पड़ता है अपना क्वार्टरली रिव्यू कराना पड़ता है तो अगर कोई ऑडिटर रिजाइन कर रहा है सर रिजाइन कब कर रहा है क्वार्टर के एंड से 45 डेज के अंदर अंदर क्वार्टर के एंड से 45 डेज के अंदर अंदर सो इफ द ऑडिटर इज प्रपोजिंग टू रिजाइन विद इन फोर्टी डेज अगर आपने 45 डेज के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया तो आपको किसकी रिपोर्ट देनी है उसी क्वार्टर की उस क्वार्टर की रिपोर्ट देना सर अगर फोर्टी डेज से ज्यादा हो गए इफ इट इज मोर देन 45 फाइव डेज तो पिछले क्वार्टर की तो दो गई और अगले क्वार्टर की भी यानी आपने उस क्वार्टर की तो रिपोर्ट देनी है और नेक्स्ट वन की भी देनी है ठीक है सर अब अगर किसी ऑडिटर ने साल का 75 परसेंट काम कर दिया अगर किसी ऑडिटर ने साल का 75 परसेंट काम कर दिया उसने तीन क्वार्टर की रिपोर्ट दे दी तो क्या उसको पूरे साल का ऑडिट भी कर लेना चाहिए क्या उसको पूरे साल का ऑडिट भी कर लेना चाहिए आंसर इज यस ही शुड ऑल्सो इशू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर फुल ईयर बिफोर रिजाइनिंग क्या यह बेसिक बात समझ आती है हाँ सर समझ गए अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई साहब एक ऑडिटर ने रिजाइन किया एटीन ऑफ ऑगस्ट एटींथ ऑफ ऑगस्ट कितने दिन होते हैं एक बार चैट बॉक्स में बताना मजा आ जाएगा एटींथ ऑगस्ट कितने दिन होते हैं क्वार्टर कब खत्म होता है अप्रैल टू जून वेरी गुड अब जून के बाद कितने दिन हो गए सर थर्टी वन डेज ऑफ जुलाई उसके बाद अट्ठारह दिन ऑफ अगस्त तो टोटल कितने फोर्टी नाइन डेज

कि उसका रीजन ऑफ रेजिग्नेशन इज प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन क्या प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन चलेगा या उसको डिटेल में बताना चाहिए सर डिटेल में बताना चाहिए प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन नहीं चलेगा क्लियरली मेंशन द रीजंस फॉर रेजिग्नेशन

इसमें क्या आता था पहला था पहला पॉइंट होता इंड एसोसिएट की अकाउंटिंग इक्विटी मेथड तो ये कह रहा है इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर एसोसिएट तो क्या इसके लिए मुझे एसोसिएट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए हां ये कहते नहीं है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड ठीक है सर दूसरा ये कहता इनवेंट्री काउंट एंड तीसरा क्या था अकाली में आटा गीला अकाली में आटा गीला सर मतलब ये कहता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर काफी नहीं है तो मैंने कहा टीओसी करवा लो आप कहीं ना कहीं टीओसी करा लो बट कहते टीओसी भी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि कंट्रोल सी इफेक्टिव है क्योंकि कंट्रोल इन इफेक्टिव है ये हो गया सर मोए 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 तो तो तीन बातें ध्यान रखना सर क्या एक तो इक्विटी मेथड दूसरा जिस टाइम पे आप बातेंट्री काउंट अटेंड नहीं कर सकते हैं। तीसरा था मोए मोए सर मोए मोए का क्या मतलब है मैंने कहा मोए मोए का मतलब है सफी मतलबेंटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल रहा तो टीओसी कर लो बट कंट्रोल्स भी इन है बट कंट्रोल्स भी इन है सारे बच्चे करो मेरे साथ कंट्रोल ही

सर हमको ना एक जेवी इन्वेस्टमेंट है उसका एविडेंस नहीं मिल रहा एंड ये रिप्रेजेंट करती है नाइनटी परसेंट ऑफ द नेट एसेट्स अगर ये 90% नाइनटी परसेंट रिप्रेजेंट करिए मतलब मटेरियल भी है परवेसिव भी है मतलब मटीरियल भी है परवेसिव भी है तो अगेन आप क्या करोगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सर डिस्क्लेमर क्यों क्योंकि तुमको एविडेंस ही नहीं मिला एंड आखिरी में सर अगर एक लोन और एडवांस है दैट इज मटीरियल मान लो एग्जाम्पल में पिछहत्तर लाख रुपए की अमाउंट दे रखी है और इसको लेके एविडेंस नहीं मिला तो क्या दोगे क्वालिफाइड ओपिनियन तो फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे मैं एक बात ना स्मार्टली स्मार्टली जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो भी यहां पे कवर हो गया स्मार्टली स्मार्टली जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो भी यहां पे कवर हो गया सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या एसेव क्या एस एवन जीरो चैट बॉक्स मजा आ गया सर क्या बात है पर्देसी, पर्देसी, जाना नहीं मुझे छोड़, के, मुझे छोड़ के अब आता है सर हमारा फेवरेट ऐसे सेवन जीरो सिक्स इसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा पांच मिनट का डोंट वरी ठीक है इसके बाद पांच मिनट का ब्रेक दूंगा आ जाओ मेरे साथ अब देखो सर क्या कहता है ये ये कहते हैं दो पैरा होते हैं भाई भाई पैरा एक है ईओएम पैरा एक है ओम पैरा इन अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट दोनों में क्या फर्क है अपने नोट्स खोल लो मजा आ जाएगा सर ईओएम पैरा क्या है इट इज अ पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट जिसमें आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करते हो जिसमें आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करते हो सर कौन से मैटर्स पे मैटर्स विच आर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्कलोज इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जब भी लोगों का अटेंशन किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है आकर्षित करना है तो क्या करेंगे ओपिनियन किसी मैटर को लेकर मॉडिफाइड है अगर मेरा ओपिनियन किसी मैटर को लेकर मॉडिफाइड है तो क्या मैं यूएम पैरा डालूंगा कहता है नहीं अगर मैं किसी मैटर को कैम मान चुका हूं मैंने किसी मैटर को कैम माना तो क्या मैं उस पर ई एम पैरा डालूंगा आंसर इज नो उसपे भी पैरा नहीं आएगा तो याद रखना दो बातें अगर किसी चीज को लेकर ओपिनियन मॉडिफाइड है या वो कैम है अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है या वो कैम है उस पर ई एम पैरा नहीं आएगा ठीक है ठीक है सर इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है अब अदर मैटर पैरा में आ जाओ अदर मैटर पैरा का क्या मतलब है इट इज मैटर अदर देन

ऐसे 299 में हम ऐसा करते थे ना कि आपको कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी हां बट अगर दो जॉइंट ऑडिटर और तीसरा डिसएग्री करते हैं अगर वो डिसएग्री करते हैं तो क्या वो सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हैं हाँ सर ये कहीं ना कहीं सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हैं अब सेपरेट रिपोर्ट में कैसे पता चलेगा यूजर्स को कि एक रेफरेंसिंग करनी पड़ती थी आपको इसी तरह जब मैं आपको एस ए सिक्स हंड्रेड या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाता था तो क्या मैं बोलता था आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी पड़ेगी कि ये जो ब्रांचेस हैं ये जो सब्सिडी है इसका ऑडिट किसी और ने किया है हां तो यह जो आप बोलते थे पोर्शन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर यह जो कोई और ऑडिटर ने पोर्शन ऑडिट किया है इसको क्या बोलते हैं सर इसको भी आप अदर मैटर पैरा में डालते थे इसको भी हम कहीं ना कहीं अदर मैटर पैरा में डालते थे तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना विच इज रिलेटेड टू ऑडिट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रिपोर्ट बोलो मेरे साथ ऑडिट

सपोज अ एफ आर एफ इज अनएक्सेप्टेबल जो एफ आर एफ है ये हमको किसी लॉ रेगुलेशन ने बोला है बट इट इज अनएक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर मतलब इसमें कोई कमी है इस कमी को पूरा करने के लिए आपने मैनेजमेंट से एडिशनल डिस्क्लोजर डलवाए अब जब ऑडिटर के कहने पे मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर डाले हैं क्या ऑडिटर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेगा हा सर चाहेगा तो इस पे क्या पैरा डालें इस इस पे भी EOM इस पे भी भी पैरा पैरा डालेंगे तो मैं कहता हूं आ जाओ फटाफट फड़ अपने नोट्स पे देखो निपटाते हैं इसको पैरा 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 क्या है 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 सर एक एक होती पापा पापा की परी एक होता है पापा का कितना गंदा जोक था छोड़ो इग्नोर ठीक <laughs> है पैरा इन रिपोर्ट विच रेफर्स टू मैटर्स एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्कलोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर की जजमेंट में फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सर ठीक है सर उसके बाद ये कहता है चार सात ऐसे केस हैं तीन स्टैंडर्ड्स वाले और चार जनरल जहां पे आपने क्या डालना है सर वहां पे आपने ईओएम पैरा डालना है पहले तीन केसेस है वाले बताओ कौन कौन से ये एफआरएफ वाला तो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एफआरएफ लॉ रेगुलेशन ने दिया है बट ये अनएक्सेप्टेबल है अनएक्सेप्टेबल है तो हमने एडिशनल डिस्कलोजर डलवाए और जो एडिशनल डिस्कलोजर थे उस पर यूजर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए पैरा डाला ठीक है सर दूसरा हमने ऐसे एट पढ़ा है हां सर इस ऐसे एट हंड्रेड में भी जब भी आपको यूजर्स को अलर्ट करना है जब भी आपको यूजर्स को अलर्ट करना है कि ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईओएम एम आता है यही क्वेश्चन आईसीआई ने आरटीपी में 24 ट्वेंटी फोर में पूछा था समझ गए सर एंड लास्ट वन इज सर कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट

560, 210, 800, 560 ये तीन ऐसे बस आपने ध्यान रखने और कुछ करने की जरूरत नहीं है अब सर सरकमस्टेंसिस क्या है तो ये हमें कैसे याद रहते थे सर दो पहले वाले दो बाद वाले दो पहले वाले दो बाद वाले पहले क्या हुआ early application of accounting standard तो अगर आपकी एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया as compared to other entities in the industry तो इस बात पे आप अटेंशन ड्रा करो दूसरा पहले क्या हुआ सर कैटास्ट्रोफ हुआ कोई कैलेमिटी हुई जिसका एंटिटी पे बहुत इंपैक्ट है तो मैंने कहा दो पहले वाले पॉइंट्स तो ध्यान रख लेना सर बाद में कौन से इवेंट होते हैं उसको कहते हैं सबसीक्वेंट इवेंट बाद में कौन से इवेंट होते हैं सबसीक्वेंट इवेंट तो जो सबसीक्वेंट इवेंट हैं ये कौन से वाले

पहले क्या हुआ सर भूकंप आया कैटेस्ट्रॉफ जिसने एंटिटी की दुनिया हिला दी वो बता देना बाद में क्या है सर मैंने कहा बाद में है सब्सिक्वेंट इवेंट और फ्यूचर आउटकम फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन अब जब भी आप पैरा डालोगे तो यूजर्स को कैसे पता लगेगा ये EOM है? उसको दे दे तो मान लो ये कोई नोट नंबर 43 है तो उस पर अटेंशन ड्रॉ कर देना और बोल देना हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है इस चीज को लेकर हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है इट इज नॉट अट्यूट ऑफ कैम इफ मैटर इज डिटरमाइंड टू बी कैम आप उसको कैम ही मानोगे अब सर जैसा मैंने ई में बोला था वही एम ओम में बोलूंगा नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन प्लस अगर ऐसे सेवन जीरो तो माना पैरा इज नॉट अ अब्सटीट्यूट सर किसका सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्टिंग एज पर एस ए फाइव सेवेंटी मां मुझे सब याद आ रहा है मां मां मुझे सब याद आ रहा है मां यही बात हमने 701 में पढ़ी थी यही बात हमने 701 में पढ़ी थी बस यहां पे एस मिसिंग है बस यहां पे एस मिसिंग है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है जो एस ए का क्वेश्चन है एंड यही सेम टू सेम क्वेश्चन आईसीएआई ने आपके एम टीपी वन में भी पूछा था तो याद रखना इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ डिस्कलोजर मॉडिफाइड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग एस पर एस ए फाइव सेवेंटी एस ए सेवन जीरो सिक्स डन डन आर डन डन आफ्टर द ब्रेक टू किसके साथ स्वागत करेंगे सर एस ए सात सौ दस एस सात सौ दस कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन दो दो बातें आती है इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले मुझे बताओ एस ए सात सौ दस किसका बड़ा भाई है कौन सा ऐसे है जिसका ये बड़ा भाई है और दोनों का सरनेम भी सेम है मैं अगर आपको बोलू ना दोनों का सरनेम भी सेम है जैसे होता है ना गुप्ता गुप्ता भाई भाई शर्मा शर्मा भाई भाई तो सारे बच्चे जल्दी से बताइए ऐसे सात सौ दस किसका बड़ा भाई प्रगति ने बिल्कुल सही बताया सर पांच सो दस का ये कहीं ना कहीं पांच सौ दस का बड़ा भाई है दोनों का सरनेम भी एकदम सेम है अब कई बच्चे बोलते हैं सर दो सो दस का भी तो सरनेम वही है दो सौ दस का भी तो सरनेम वही है यार देखो जो भाई है ना उनका सरनेम तो सेम होगा बट जिनका सरनेम सेम है जरूरी नहीं वो भाई है अब ये कॉमन सेंस वाली बात है तुमको समझ गई तो बहुत बढ़िया तो ऐसे ध्यान रखना 510 का बड़ा भाई है तो जब आप इसके ऑडिट प्रोसीजर करोगे जब आप इसके ऑडिट प्रोसीजर करोगे कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन पे तो ये भी वही रहेंगे balances, यहां आप क्या बोलते हो आप बोलते हो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री प्रायर पीरियड सर यहां पर हम वर्ड कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन क्यों यूज हैं वहां क्लोजिंग बैलेंसिस क्यों अरे नाम है ना टॉपिक का कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन तो जैसा नाम वैसा आंसर बात तो वही है तो आप बोलो कंपेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द प्रायर पीरियड ठीक है सर वहां कौन सी और चीज होती पॉलिसी वाला पॉइंट जो 510 में, है, वो ही 710 में आएगा यानी अकाउंटिंग पॉलिसी और अगर आपने चेंजेस हैं तो आप सबने आकाश सर से पढ़ा होगा इंड एस यानी इंड एस किसकी बात करता है चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी और

अब इसमें थोड़ा एस के मसाला एड करें हां सर मसाला यह है जब आप यह टेस्टिंग कर रहे थे आपको खुशबू आई मटेरियल स्टेटमेंट की जब आप यह टेस्टिंग कर रहे थे आपको खुशबू आई मटेरियल स्टेटमेंट की यानी यू बिकम अवेयर ऑफ पॉसिबल मटेरियल स्टेटमेंट सर पॉसिबिलिटी को यकीन में बदल देते हैं पॉसिबिलिटी को यकीन में बदल देते हैं मैंने कहा ऐसे कैसे मेहनत करनी पड़ेगी तुमको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी सर मेहनत का क्या मतलब है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू बी श्योर कि मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है मिल गई। मिल गई और आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे तो मुझे बताओ कौन सा ऐसे जाग जाएगा कौन सा ऐसे जिंदा हो जाएगा सर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद कुछ ऐसा पता चला जो अगर पहले पता होता तो ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करते कौन सा स्टैंडर्ड है जो इस तरह की फालतू बात करता है एस ए फाइव सिक्सटी एसए 560 तो अगर आप ही ऑडिटर थे पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और आपको अपने काम में ही मटेरियल मिल गई तो ऐसे बता दो 500 की सीरीज का जो नेक्स्ट आंसर बनेगा सर एस एव एस यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में सीखा था पीरियड वाला जो टॉपिक था डेट एंड पीरियड ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट इज फॉर

जब आपके पास दो फिगर दे रखे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च कहाँ गया कहा गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया इधर आओ जब आपके पास दो फिगर दे रखी हैं थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री क्या नोट्स टू अकाउंट्स दोनों के होते हैं या सिर्फ इसके होते हैं सर नोट्स टू फोकस नहीं करते तो जो आपका corresponding figure है वो कहते हैं सिर्फ रीड करने के लिए इसको समझने के लिए बस आपने इसको रीड करके चलना होता है तो यही बात यहां लिख रखी है देखो क्या कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में आप जो अपना ओपिनियन देते हो सर आप अपना ओपिनियन किस पे देते हो ईयर पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर क्यों दे रखी है जस्ट टू रीड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द करंट ईयर फिगर तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ज्यादा डिटेल में होते हैं ये एकदम हुब होते हैं जितने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल में उतने ही प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल में तो जब एकदम दोनों ही डिटेल में है तो आपका ओपिनियन किस पे होगा इस साल पे या पिछले साल पे दोनों पे जब दोनों इक्वल डिटेल में है तो आपका ओपिनियन किस पे होगा दोनों पीरियड्स को कवर करेगा आपका ओपिनियन ये चीज इंडिया में नहीं होती ये चीज इंडिया में नहीं होती तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं वो मेरे से नहीं पूछना आप गलत बंदे से सवाल पूछ रहे हो इसका जवाब मेरे पास नहीं है पढ़ा क्यों रहेगा जवाब मेरे पास नहीं है बट हां पढ़ना है इसका जवाब है ठीक है सर अब सारे बच्चे इधर आओ रिपोर्टिंग की बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में आपका ओपिनियन तो करंट पीरियड पे ही है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में आपका ओपिनियन करंट पीरियड पे ही है अनलेस सर अनलेस क्या आपने प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफिकेशन थी जो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें है, उसमें मॉडिफिकेशन है है यानी मटेरियल हाँ सर तो आपने देखना है कि जो रीजन फॉर मॉडिफिकेशन था क्या वो रिजोल्व हो चुका है या नहीं क्या वो रिजोल्व हो चुका है तो कि नहीं अगर तो वो रिजोल्व हो गया तो, तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बट अगर आज भी वो अनरिजोल्व है आज भी वो अनिजॉल्व है तो आपको करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा सर रीजन रीजन बताओ reason बताओ क्या कह के हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करें तो मैं कहता हूं रीजन पता चलेगा कि आपका ये आइटम बैलेंस शीट आइटम था या पीएनएल सर कैसे अगर मैं बोलू पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल स्टेटमेंट है डेटर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो डेटर्स का जो क्लोजिंग फिगर है वो कैसे निकलती है सर ओपनिंग फिगर में क्रेडिट सेल एड करो रिसीट्स माइनस करो बेड माइनस करो तो क्लोजिंग फिगर आ जाएगी तो मैं कह देता हूं अगर ये गलत है मैं कह देता हूं अगर ये गलत है तो क्या इसकी गलती यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी क्या ये इसकी गलती यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी हां तो सर ये भी गलत हो जाएगी यानी ये भी गलत ये भी गलत तो आप क्या करोगे आप दोनों को रेफर करोगे जो आपका बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा होगा यू विल रेफर टू बोथ द पीरियड एंड जब आप समझा रहे होगे कि किन मैटर्स की वजह से आपने ओपिनियन मॉडिफाई किया किन मैटर्स की वजह से आपने ओपिनियन मॉडिफाई किया तो बोलना इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द करंट ईयर फिगर इज मटीरियल ये जो इफेक्ट है ये करंट ईयर फिगर पे क्या है मटेरियल है क्या तुमको ये बेसिक बात समझ आती है हाँ सर ये तो कॉमन सेंस है मैंने कहा वही तो लिखा है दूसरी चीज बट वॉट अबाउट पीएनएल वॉट अबाउट पीएनएल तो पीएनएल में कहता है ये जो इंपैक्ट है वो इसमें तो नहीं आएगा जो पी एन एल है उसमें इसका इंपैक्ट इसमें तो नहीं आएगा बट मुझे एक बात बताओ जब आप सही को गलत से करोगे, जब आप आप सही सही चीज चीज को को गलत गलत से से कंपेयर कंपेयर करोगे करोगे तो वो भी गलत हो जाती है ना एग्जाम्पल लेते हैं मान लो एक लड़की है जिसका नाम है गुंजन गुंजन के आए 71 मार्क्स हंड्रेड में से जो गुंजन है वो कहती है मेरे सेवनटी वन मार्क्स आए और पापा को कहती है ना टॉपर के आए थे टू तो क्या पापा खुश हो जाएंगे वाव मेरी लड़की ने तो धूम मचा दी इसके सेवेंटी वन आए टॉपर के सेवेंटी टू बट बाद में पता चला जो टॉपर है उसके नाइनटी नाइन आए हैं जो टॉपर है उसके नाइनटी नाइन आए हैं तो मुझे बताओ गुंजन के मार्क्स तो सही थे बट जब आप सही को गलत से कंपेयर करते तो क्या आपका ओपिनियन बिगड़ रहा था हां सर आपका ओपिनियन बिगड़ रहा था तो यही रीजन आपने देना है व्हाट वाज द रीजन टू मॉडिफाई बिकॉज ऑफ द कंपेरेबिलिटी तो यही आपने लिखना है इन अदर केसेस डिस्क्राइब इन द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन कंपेरिबिली सही को गलत कंपेयर गलत से कंपेयर करने से भी दिक्कत आती है तो यह बात आपके नोट्स में भी नोट देखो क्या कहता है फिगर को बस रीड करके चलना है ताकि आप करंट ईयर फिगर को समझ सको इसका डिटेलिंग ज्यादा नहीं होती उतनी ही होती है जितनी इसकी जरूरत है करंट ईयर की फिगर को समझने के लिए अब यह कहता है कि आप जनरली कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर पर रेफर नहीं करोगे एक्सेप्ट पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन था एंड द मैटर जिसकी वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन था वो आज भी अनरिजॉल्व है तो जब भी वो अनिजोल्व रहेगा तो आपको बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा डालना रहेगा हाँ, सर तो इसमें हमें पास दो ऑप्शन है सर दो ऑप्शन क्या है या तो आप रेफर टू बोथ करो बताओ ये वाला ऑप्शन कौन से केस में आएगा बैलेंस शीट या पीएनएल एक बार चैट बॉक्स में बता दो मजा आ जाएगा बैलेंस शीट या पीएनएल एन एल कम ऑन एवरी वन बैलेंस शीट ये पहला केस किसकी बात करता है बैलेंस शीट यानी आपने रेफर करना है बोथ द करंट ईयर फिगर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन और बोलोगे इसका जो इफेक्ट है या पॉसिबल इफेक्ट जो करंट ईयर फिगर पे आ गया है वो मटीरियल इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फिगर इज मटीरियल और दूसरा ऑप्शन क्या है पीएनएल तो पीएनएल में बोलोगे इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन कंपेरिबिलिटी ऑफ करंट पीरियड फिगर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर अब सर एक बात बताओ ये तो तब है जब पिछले साल गलती थी और पकड़ी गई थी ये तब है जब पिछले साल गलती थी और पकड़ी गई थी मान लो गलती पकड़ी ही नहीं गई थी पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन है और आपको मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई जो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमोडिफाइड ओपिनियन है उसमें आपको मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई तो सर क्या करें चेक करो वो रिजोल्व होती है कि नहीं चेक करो वो रिजोल्व होती है कि नहीं अगर तो रिजोल्व हो गई तो वाजी वाह और अगर रिजोल्व नहीं हुई तो आप अब अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देना या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देना तो इसमें कुछ है क्या नहीं सर आईसीआई कितनी खतरनाक केस स्टडी पूछ लेना आप उसको सॉल्व कर लोगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है सर अब सर ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैंने बताई दिया जैसे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपका ओपिनियन दोनों को रेफर करेगा बट सर अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियसली इश्यूड ओपिनियन तो उसका रीजन आप ओम में डाल देना ठीक है सर या फिर आपको पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती मिली आपको पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती मिली तो मैनेजमेंट को बताओ उस मटेरियल स्टेटमेंट के बारे में मैनेजमेंट को बताओ और बोलो

तो आप एज अ ऑडिटर सिर्फ करंट पीरियड पे फोकस करोगे कंपेरेटिव पे नहीं तो आपको कंपेरेटिव पे फोकस करने की जरूरत नहीं है इन तीन बातों को बस आपने रीड करके चलना है आज तक आईसीए ने कभी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा बट मैं चाहूंगा कि वो पूछे और आप उसको ठीक करके आओ तभी मजा आएगा तभी मजा आएगा तभी फील आएगी कि हां हमने थोड़ी धूम मचाई है जिंदगी में ठीक है ठीक है सर अब सर दोनों के लिए कुछ कॉमन रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट है देखो क्या कहता है अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ऑडिटर कोई और था अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर कोई और था तो आप अदर मैटर पैरा में तो आप कहीं ना कहीं अदर मैटर पैरा में सर तीन बातें बताना था क्या क्या कि फाइनेंशियल क्या ओपिनियन दिया क्या डेट थी वो दोनों आपने बतानी है अगर पिछले साल के लिखोगे सर एक बात बताओ क्या ओम पैरा में लिख देने से क्या ओम पैरा में लिख देने से इसका यह मतलब है कि हमको पांच दस नहीं करना हमको पांच सौ दस नहीं करना द आंसर इज नो पांच सो दस तो करना ही पड़ेगा अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ तो 510 करके ये चेक करना पड़ेगा कि उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं तो दिस डज नॉट रिलीव हिम फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटी टू गेट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंसेस डोंट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट 510 तो करना ही करना पड़ेगा यहां आपका एस एस सेवन हंड्रेड टेन डन डन सारे बच्चे जल्दी से एक बार बॉक्स में बता दो मजा आया नहीं आया फटाफट हम थोड़े शरीफ क्या हुए सारी दुनिया ही बदमाश हो गई चलो सर बहुत मजा आ गया क्या बात है अब आ जाओ एसे सेवन ट्वेंटी लास्ट ऐसे ऑफ द डे एक ऐसा होता है ना चेहरे पे खुशबू आ जाती है खुशी आ जाती है कि यार हां इतनी मेहनत कर ली इतनी मेहनत कर ली अब मजा आएगा बिड़ू क्या बात है सर अब आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन सारे बच्चे फटाफट आ जाओ मैं इसकी आपको थोड़ा सा इसको नोट्स के थ्रू कराने की कोशिश करता हूं देखो सर सबसे पहले जब भी बात आती है अदर इंफॉर्मेशन की देखते जाना समझते जाना कुछ नहीं करना जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स पॉपकॉर्न मिल रहा है तो पॉपकॉर्न खाओ बढ़िया बैठ के ये अदर इंफॉर्मेशन कौन सी है सर जो एंटिटी की एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूडेड है ठीक है सर क्या आपको एनुअल रिपोर्ट का ऑडिट करना है जल्दी से बताओ क्या आपको एनुअल रिपोर्ट का ऑडिट करना है मैंने कहा नहीं तो क्या करना है बस रीड करके चलना है बस रीड करके चलना है कि कहीं जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है एंड जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनके बीच में कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं इनके बीच में कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं अगर तो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं है देन तो ऑल ओके कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बट अगर आपको मटीरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गई तो सर क्या होगा मैंने कहा दो केस हो सकते हैं तो इस केस में दो केस हो सकते हैं सर क्या या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में है या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट है तो कौन सा स्टैंडर्ड आ जाएगा एस एस ठीक है सर या दूसरा केस क्या हो सकता है सर दूसरा केस हो सकता है जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर मटीरियल स्टेटमेंट है मैंने कहा हां अगर आपको लगता है एनुअल रिपोर्ट में मटीरियल स्टेटमेंट है तो आप क्या करोगे सर हम रिक्वेस्ट करेंगे वी विल समेर रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर करेक्शन अब इसके दो केसेस क्या हो सकते हैं या तो मैनेजमेंट करेक्ट कर देगी मैनेजमेंट या तो एग्री कर देगी टू मेक द करेक्शन अगर तो उसने एग्री कर लिया चेक वेदर द करेक्शन इज मेड और नॉट क्या उन्होंने करेक्शन करी अगर उन्होंने भी कभी किया था। ठीक है? अगर उसने कर लिया, तो सर क्या करें मैंने कहा एक ही पार्टी है जो अब हमको बता सकती है उदय भाई और मजनू भाई के ऊपर कौन है मैंने कहा आर डी एक्स टीसी डब्ल्यू जी के पास चलेंगे हम टी सी डब्ल्यू जी के पास चलेंगे फॉर करेक्शन अब अगर टीसी जी ने करेक्शन कर दी वेरी गुड बट अगर टीसी जी ने भी नहीं करी अगर टीसी जी ने भी नहीं करी तो क्या करें मालिक तो क्या करें सर इसके बारे में आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसके बारे में आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा डालना पड़ेगा जिस पैरा का नाम क्या है अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन डालोगे और वहां लिखोगे कि जो एनुअल रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन है जो एनुअल रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन है दैट इज मिसस्टेटेड कहीं ना कहीं वो मटीरियली वो कहीं ना कहीं मटीरियली समझ आती है हाँ सर तो ये आपने एक बेसिक सी बात समझ के चलनी है एक बार फटाफट बच्चा कह रहा है विद्रॉ पहला विड्रॉ होता है क्या पहला ऑप्शन विड्रॉ होता है क्या इंप्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और विड्रॉ है ठीक है बाद में आता है विद्रॉ अगर आपको इंप्लीकेशन देखनी है या फिर आप विद्रॉ भी कर सकते हो या फिर आप विदड्रॉ भी कर सकते हो इफ इट इज पॉसिबल एज पर द लॉ रेगुलेशन ठीक है कम ऑन एवरी वन क्या यहां तक बेसिक बात समझ आती है हां सर अब एक बार फटाफट अपने नोट पे आओ मोटा मोटी चीजें कवर करके चलते हैं फटाफट ये कहता है कि obtaining द अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या करना है ये कहता है ऑडिटर का ओपिनियन कभी भी एनुअल रिपोर्ट को कवर नहीं करेगा तो हम क्या करें बस रीड करके चलो बस रीड करके चलो कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं ये अप्लाई करता है वेदर इट इज रिसीव्ड प्रायर टू और आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ठीक है सर उसके बाद ये कहता है कि आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करके समझना है कि कौन सी एनुअल रिपोर्ट होती है फिर उनके साथ अरेंजमेंट करो कि वो टाइम पे एनुअल रिपोर्ट दे दें डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनल वर्जन मिल जाए अगर आपको लगता है ऑडिट रिपोर्ट से पहले नहीं मिलेगा तो उनको बोल देना चेक करवा लेंगे किस को लेकर जो एनुअल रिपोर्ट है वो पहले ऑडिटर को मिलेगी so that he can complete the procedures as per ए

या तो वो एग्री करेगा या रिफ्यूज करेगा एग्री करा तो चेको करेक्शन हुई कि नहीं रिफ्यूज किया तो आप टीसी को बोलो और करेक्शन करवाओ अब सर अगर आपको आपको ये ये पहले मिल ये पहले मिल मिल चुकी चुकी है 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 अगर ऑडिट रिपोर्ट से तो क्या करना है? आपने इसकी इंप्लीकेशन देखनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे, यानी आप अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन डाल के बोलोगे इट इज मटीरियलिस्टेटेड या फिर आप विद्रॉ भी कर सकते हो अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए फॉर योर एग्जाम्स सर देखो क्या कहता है यहां पर क्या था प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यहां पर क्या है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सर आफ्टर में क्या करेंगे आफ्टर में क्या करेंगे यह वाला पार्ट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा डोंट वरी अबाउट इट अभी एक बार अच्छे से समझ लो कहते हैं अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है ना वापिस चेक करो करेक्शन हुई है या नहीं वापिस चेक करो करेक्शन हुई है कि नहीं अगर तो करेक्शन हो गई तो चेक करो तो प्रोसीजर्स करो कि भाई करेक्शन ठीक से हुई है कि नहीं बट अगर करेक्शन नहीं होती तो आपने इसमें लीगल एक्शन लेना है आपने इसमें लीगल एक्शन लेना है कि ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये यूजर्स के पास ना जाए ये जो चीज है ये यूजर्स के पास ना जाए और यूजर्स को इसके बारे में बताओ तो बस ये दो बातें ध्यान रखना या तो करेक्शन होगी या करेक्शन नहीं होगी अगर करेक्शन है तो चेक करो करेक्शन हुई कि नहीं और अगर करेक्शन नहीं होती तो आप यहां पे लीगल एक्शन लेके चलेंगे रिपोर्टिंग वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि एक हेडिंग डालेंगे अदर इंफॉर्मेशन करके ठीक है सर लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर हैज ऑपटेन और एक्सपेक्ट्स टू द अदर इन्फॉर्मेशन यानी बाद में मिल सकती है बाकी एंटिटीज के केस में अक्सर मिल जाती है अब इसमें सर क्या क्या बातें आएंगी बेसिक बेसिक बातें पहले तो यूजर को बोल दो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो अदर इंफॉर्मेशन है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो गिव अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन ठीक है सर अब लोग सोच रहे हैं ये अदर इंफॉर्मेशन होती क्या है तो उनको बताओ अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है विच इज ओपटेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या फिर लिस्टेड एंटिटी केस में बाद में मिलेगी अब वो पूछ रहे हैं अब लोग सोचेंगे कि क्या आपका ओपिनियन इसको कवर करेगा बोल देना ना ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट कवर द अदर इंफॉर्मेशन ठीक है सर तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बस रीड करना बस रीड करना कि क्या इसमें कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं फिर आप क्या करोगे अगर आपको पहले मिल गई तो बोलना नथिंग टू रिपोर्ट बट अगर बाद में मिली है तो जो अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की थी उसको आप बता देना तो ये बेसिक सा पॉइंट है रिपोर्टिंग वाला अगेन जस्ट टू बी रेड एंड लास्ट में हमें क्या ध्यान रखना है सर एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ द अमाउंट और अदर आइटम्स विच में भी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन ये आपका होमवर्क है इसमें कुछ भी ऐसा मतलब समझाने लायक नहीं है ये बेसिक बेसिक बातें चार पांच बातें इसमें और चार पांच बातें अदर आइटम की बस आप याद रख के चलना एंड लास्ट में सर मैं बस आपको इतनी सी बात कहूंगा क्या वर्क हार्ड इन साइलेंस वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज तो आप कई बार देखते होगे कि हर जगह इतना ज्यादा माहौल बना रहता है कभी भी कुछ भी होता है तो ऐसे माहौल फैल जाता है तो उसमें ना आप देखना कि कुछ भी हो चाहे पहले कोरोना आया था तब बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी कि भाई आई से एग्जाम करवा पाएगा या नहीं अभी आ रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं कि आई से पाएगा कि एग्जाम करा पाएगा नहीं तो तो मैं आपको बोलता ना इस इस से से दूर रहो। इस से दूर रहो रहो तो सर हमें किसके पास रहना है अपनी किताबों के पास जितना हो सके किताबों के पास रहो मैं आपको एक बात बोलू ना जब रिजल्ट आएगा ध्यान से समझना जब रिजल्ट आएगा तो सर रिजल्ट क्या आता है रिजल्ट तो यही आएगा दस से पंद्रह परसेंट बच्चे दस से पंद्रह परसेंट बच्चे पास होंगे बाकी जो 85 टू 90 परसेंट है सर 90 परसेंट ना 85 टू 90 परसेंट इनका तो पास होना ही नहीं है तो सर ये जो 10 से 15 परसेंट बच्चे ये क्या है ये अभी शांत है ये एकदम शांति से पढ़ाई कर रहे हैं इनको पता है इनका एक ही लक्ष्य एग्जाम क्लियर करना आपका बस एक ही कार्य होना है कि इन भीड़ से दूर रहो जितना हो सके भीड़ से दूर रहो ये जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है सब तमाशा है दूर रहो इन सबसे यहाँ क्या होता है ना बच्चे बस फालतू की बातें कर रहे होते हैं डिस्कशन कर रहे होते हैं और आपका भी ध्यान भटका रहे होते हैं तो जितना हो सके नॉइज से दूर रहना है और आपने किताबों के पास रहना है अगर आप किताबों के पास रहोगे साइलेंटली बस अपने फोकस करके चलोगे ना स्टडीज पे ट्रस्ट मी चालीस से पचास लाना कोई टफ चीज नहीं है चालीस से पचास लाना कोई टफ चीज नहीं और इतना ही चाहिए होता है पास होने के लिए सो जस्ट मेक श्योर की पढ़ते रहोगे तो ट्रस्ट मी एकदम आसान तरीके से एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा जल्दी से सारे बच्चे बताओ क्या आप मुझे कमिटमेंट करते हो कि शांति से प्रेम पूर्वक तरीके से पढ़ेंगे और सर जब पास होंगे तो आना ना लिंकइन पे लिंकड पे आगे बोलना मैं बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी लाइक और कमेंट करूंगा हाँ मेरा ही स्टूडेंट था ठीक है तो ये आपने एक बेसिक बात ध्यान रखना so, so मजा आया सेवन हंड्रेड हमेशा कहता हूं कि 700 की सीरीज आप आराम से 1 टू 1.5 आवर्स में रिवाइज कर सकते हो आप भी सोचते होगे इसके लिए तो बोलना आसान है ये तो टीचर है खुद करके दिखाओ तो मैंने आपको खुद भी करके दिखा दिया आपके साथ बैठ के चीजों को रिपीट रिपीट करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वी एक्चुअली रिवाइज इन पॉइंट आवर्स सो इट इज पॉसिबल जब मैं आपको बोलता हूं ना कुछ पॉसिबल है तो मैं आपको ध्यान में रख के ही बोलता हूं ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इट यू ही खुशी खुशी मल्ला कर पढ़ते रहो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट ताकि बाकी सीए स्टूडेंट्स तक पहुंच सके एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑल द बेस्ट लगे रहो